हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और यहाँ पे हम अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, उनको स्ट्रेस स्ट्रेन को डीपली कवर किया था और हमने ये भी देखा था कि वो कंपोजिट बार में किस टाइप से वेरी करेंगे, और इसके अलावा हमने टेम्परेचर का जो भी इफेक्ट आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर वो हमने देखा था बोथ कंपोजिट बार और कंपोजिट में भी कौन से पैरेलल और सीरीज दोनों में जो लगे हुए होते हैं उन दोनों के अंदर हमने देखा था कि किस टाइप से वेरी करें। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर वो एक चीज़ होती वो रह गई थी, वो चलो हम अभी बता देते हैं कि जो अल्फ़ा का जो वेरिएशन था, अल्फ़ा अपन सबको पता है कि कौन सा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशेंट जो वेरिएशन था वो कौन से मटेरियल में ज़्यादा होता है सबसे, कौन से मटेरियल में कम होता है किस टाइप से, तो इसकी एक सीरीज़ है, चलिए हम वो लिख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है वो एल्यूमिनियम में होता है, उसके बाद होता है ब्रास के अंदर, और फिर उसके बाद गन मेटल। ये कभी कभी जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ये सीधा पूछ लेता है कि किसके अंदर ज़्यादा होता है और किसके अंदर कम होता है। इसके अलावा कॉपर, स्टील, हमने जो क्वेश्चन किया था वो कॉपर और एल्यूमिनियम को लेकर के किया था अगर आपको सही ढंग से याद हो तो, और फिर होता है इनवार, और सबसे कम किस में होगा जैसा कि हम सबको पता है डायमंड। कि डायमंड का तो थर्मल कोएफिशिएंट जीरो के बराबर सही मान लीजिए आप, जो है कि चेंज ही नहीं हो सकता, और इनवार भी बिल्कुल वैसा ही होता है, काफ़ी कम होता है। तो आप सबसे ज़्यादा अगर आपको याद रखने हैं इम्पोर्टेंट तो आप ये दोनों याद रखिएगा कि कॉपर का ज़्यादा होता है और स्टील का कम होता है, इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो टेम्परेचर के संग वेरिएशन था ये पूरा ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस टाइप से हम निकालते हैं वो सब वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो टर्म्स होंगी वो सबसे पहले हम पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होता है। तो इस पर जिस टाइप के जो बीम होती है, जो जिस टाइप की लोडिंग होती है और जिस टाइप के भी इसके अंदर सपोर्ट होंगे, हम तीनों को पहले देख लेते हैं कि मतलब कितने कितने टाइप की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोडिंग कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ लोडिंग। वो कभी कोई पूछ लेगा मतलब वो टर्म है तो कि हमें पता रहे तो अच्छा रहता है। इसकी पहली होगी ये वाली, अगर कोई भी ऐसे सपोर्ट है, अगर उस पर सिर्फ एक ऐसे लोड लग रहा है, सिर्फ एक ही लोड है, एक लोड मतलब एक पॉइंट लोड टाइप से है, घूम वो आप समझ जाओगे आगे क्या होता है वो, जिसकी सिर्फ एक एरो टाइप से सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक ही जगह पर सिर्फ लोड लग रहा है, कहीं और फैला हुआ नहीं है, लाइक इस टाइप से भी होगा इस टाइप से भी होगा तो भी चलेगा, पर लगना वो उसका पूरे का एक ही जगह चाहिए। ये मान लीजिए P1 P2 P3, तो इस टाइप के हम इसको बोलते हैं पॉइंट लोड। सेकंड होता है अगर कोई बीम है उसके ऊपर अगर पूरा वेरिएशन है, पूरे बीम पे लोड लग रहा है, मतलब इस पूरे के ऊपर ही लोड लगा हुआ है, इस टाइप से आप मान लीजिए जैसे कि आपसे चेन बिछी हुई हो, या फिर आपको अगर एग्जांपल मानना ही है इसका तो एग्जांपल इस टाइप से आप मान सकते हैं जिसकी ब्रिज है यहाँ पे, और ब्रिज के ऊपर ये मालगाड़ी खड़ी है, आप ये मान लीजिए। तो मालगाड़ी खड़ी है तो फिर ये पूरे पे लोड लगा रही है, यहाँ पर भी सेम ही होगा, अगर ये इनके दोनों डिब्बों के बीच की डिस्टेंस है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो फिर पूरे पे सेम ही लोड होगा, इसी टाइप का ये लोड होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसको, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम UDL लिख देते हैं। तीसरा होगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड,
मतलब जो डिस्टेंस के संग थोड़ा वेरी कर रहा हूँ, और वो भी यूनिफॉर्मली ही वेरी कर रहा हूँ, इन सेंस लाइक इस टाइप से। उसको हम बोल देते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको UVL से हम इसको डिनोट करते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे किस टाइप के होते हैं और कैसे होता है। अब इसी के अंदर हम दूसरा देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग तो हो गई। अब यहाँ पे जो एक बीम होती है, ये इस पे जो सपोर्ट होते हैं, ये बीम भी कितने टाइप की हो सकती है ये हम देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस टाइप की बीम पर अगर लोड लगा रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। सेकंड, अगर वो इस टाइप से एक बीम है इस जगह पे फिक्स है और यहाँ पे कहीं पे लोड लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कैंटिलीवर बीम। तीसरा, अगर कोई बीम है, इन दोनों का आप मिक्स करके मान लीजिए, ये यहाँ पे फिक्स है और इस जगह पे उसको एक सपोर्ट दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉप कैंटिलीवर बीम। बस आपको बस नाम याद रखने हैं कि मतलब कौन सा कैसे होता है। हम इसको वैसे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करें तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा, जिसकी इसको तो हम काफ़ी बार यूज़ करते हुए आ भी रहे हैं, आगे भी यूज़ करें। और अगर वो दोनों साइड से फिक्स है तो इसको हम फिक्स बीम बोल देते हैं। अगर उसमें एक से ज़्यादा हैं सिंपली सपोर्टेड, जैसे मतलब तो इसको हम कंटिन्यूस बीम बोल देते हैं। इस पे भी एक दो बार क्वेश्चन आए कि कोई सी भी ऐसे बीम दे देगा और बोलेगा वो कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड है, कंटिलीवर है, कंटिन्यूस बीम है, या फिर एक ये वाला ओवर हैंगिंग बीम। मतलब उसका एक जो पार्ट होता है सिंपली सपोर्टेड आधा होता है और आधा पार्ट हवा में होता है, लेकिन शायद से इधर कोई सपोर्ट नहीं है, इसको बोलते हैं हम ओवर हैंगिंग बीम। इस वाले पे क्वेश्चन आया था एक बार। वैसे हम सबसे ज़्यादा सिंपली सपोर्टेड बीम यूज़ करते हैं और कैंटिलीवर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनके दो के अलावा हम 99% केस में हम सिर्फ वो दो ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम कोई सा यूज़ करते ही नहीं है, वो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। अब हम सपोर्ट्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट कितने होते हैं। टाइप ऑफ सपोर्ट में सबसे पहला आता है फिक्स, जैसे कि ये फिक्स है यहाँ पे ये वाला। अब इस फिक्स पे कितनी रिएक्शंस आएंगी ये भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि फिक्स है ना, ये इधर मूव करने देगा ना नीचे मूव करने देगा और ना ही इसको ऐसे मुड़ने देगा, मुड़ने से भी ये रिस्ट्रिक्ट करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स इसको इधर से भी फोर्स देगा FX में भी, ऊपर की साइड भी देगा FY की भी, और जो मोमेंट होगा इसको यहाँ से इसके अराउंड घूमने भी नहीं देगा, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा इसको, इस टाइप से पकड़ के रखा है इसने, ना इसको आगे जाने देगा ना ऊपर जाने देगा ऐसे, और ना इसको घूमने देगा वो, आप कितना ही घुमाने को देगा पकड़ के रखेगा देखिए। तो यहाँ पर ये मोमेंट भी रेस्ट्रिक्ट करेगा इसका, तो तीन टाइप की चीज़ें ये अकेला दे देता है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट। दूसरा होता है हिंज, लाइक जैसे कि ये है बीम
ये जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये वाला, ये हिंज सपोर्ट होता है। ये हिंज सपोर्ट लाइक इस टाइप का होता है, ये इसको आगे जान नहीं देगा, ऊपर भी जैसे कि ये इस टाइप से भी जान नहीं देगा, वहाँ पर ही पकड़े रहेगा, पर इसको घूमने देगा ऐसे, आप समझ रहे हैं, इसको ऐसे घूमने देगा इसको। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर मोमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये घूमने दे सकता है इसको, पर ऐसे मूव नहीं करने देगा। इधर एफएक्स में भी फोर्स लगाएगा और ये FY में भी फोर्स लगाएगा, इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। तीसरा होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट इन द सेंस लाइक ऐसे इस टाइप से, मतलब क्या हुआ, ये जो है इसके यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में रोलर लगे हुए हैं, तो ये ऐसे मूव कर सकता है ऐसे, पर देखिए ये इसको ऊपर नहीं उठने देगा, उस डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, तो मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा, और ये हिंज है ही, तो ये ऐसे मूव भी ऐसे घूम सकता है इसके साथ, तो ये सिर्फ ऊपर की साइड जो होगा FY फोर्स देगा बस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, इसको रोलर सपोर्ट बोलते हैं। तो हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं, कितने टाइप की लोड, किस टाइप की, किस 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 टाइप की लोडिंग होती है, पॉइंट लोडिंग कौन सी होती है, UDL कौन सा होता है, UVL क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीम भी देख लिया हमने, सिंपल सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, 99% केस में सिर्फ ये दोनों ही हमें दिए हुए होंगे, ये भी देख लिया, प्रॉप कैंटिलीवर बीम भी देख लिया हमने। इसके अलावा फिक्स बीम भी देख ली, कंटिन्यूस बीम भी देख ली, ओवरहैंगिंग बीम पे एक दो बार क्वेश्चंस देखे थे मैंने भी, तो इतने ही बने हैं मैक्सिमम। इसके अलावा सिंपली सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट भी हमने देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, तीनों जगह देगा, हिंज सपोर्ट इसको ऐसे घूमने दे सकता है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, और ये रोलर मूव तो करने देगा ही पर ऊपर ऐसे बाई डायरेक्शन में नहीं मूव करने देगा, उसको ऐसे घूमने तो देगा ही देगा ऐसे, आप इसको ऐसे मूव कर सकता है और ऊपर नहीं जाने देगा, और यहाँ यहाँ पे घूमने देगा ऐसे स्टेप से, पर ऐसे नहीं करने देगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात, तो चलिए हम इस पर पहले कुछ क्वेश्चंस देख ही लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब वो ऐसा करेगा क्वेश्चंस बनाते टाइम पे, इनमें से कोई सी भी चीज़ दे देगा, ये या फिर इनका ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, इस टाइप का लोड, पॉइंट लोड भी लग रहा है, UDL भी लग रहा है, और UVL भी लग रहा है, ऐसा देगा, और किस चीज़ पर लग रहा है वो, इन तीनों बीम्स में से किसी पे भी लग रहा है, कि कोई सी भी बीम, जो हमने छः बीम पड़ी है मैक्सिमम, तो इन दोनों में से ही देगा, किसी एक पे लग रहा होगा, और फिर उसके बाद सपोर्ट कितने किस टाइप का है, फिक्स सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, वो दे देगा बस। उसके बाद हमसे वो बोल देगा इसका शेयर फोर्स निकाल दो, इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल दो, तो चलिए हम देखते हैं किस टाइप से निकालते हैं। इसका जो प्रोसेस सबसे पहला हम देख लेते हैं, अगर आपको याद रखना है इसको कि किस टाइप से इस चीज़ को किया जाता है, तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर होता है बहुत सिंपल सा, सीधा है कि कोई सा भी लो FX समेशन ऑफ जो X के अंदर फोर्स है उनको ज़ीरो कर दो, समेसन ऑफ फोर्स जो वाई के अंदर उनको ज़ीरो कर दो, समेसन ऑफ मोमेंट जेड की साइड है वो उसको भी ज़ीरो कर दो बस। इससे बाहर आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन तीनों को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इन तीनों को। अब मैं भी आपको बता ही दूंगा कि किस टाइप से इनको यूज़ करना है, तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला हम उठाते हैं पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड किसके ऊपर, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, और हम किस टाइप के यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, हिंज सपोर्ट। तो मान लीजिए सबसे पहले स्टेप से है, एल लेंथ है, इस जगह पे फोर्स लग रहा है पी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया, और सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। शेयर फोर्स निकालना है हर एक पॉइंट पे और बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है हर एक पॉइंट पे। इसका सीधा शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी मैं आपको पता चलूँगा ये क्या होते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी। इसके अलावा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था उसके अंदर, सबसे पहले एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो करो, समेशन ऑफ एफ एक्स हमें ज़ीरो करना है और समेशन ऑफ एफ एक्स हमें ज़ीरो करना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक्स इस डायरेक्शन में एक्स है और इस डायरेक्शन में वाई है, एक्स में तो वैसे ही फोर्स लग नहीं रहा था, वो तो ऑलरेडी ज़ीरो है। अब हम समेशन ऑफ वाई देखते हैं इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट दे रहा होगा, क्या दे रहा हुआ ये आर ए ऊपर के साथ रिएक्शन ए पे, और ये भी ऊपर के साथ दे रहा होगा रिएक्शन ए सी। ये ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है, मैंने जूम किया है कि आर ए भी ऊपर है और आर सी भी ऊपर है, और एक ऊपर से आ रहा है पी, तो आर ए ऊपर की साइड है। इसको अगर हम देखें तो आर ए ऊपर की साइड प्लस आर सी ऊपर की साइड प्लस आर पी पी नीचे की साइड माइनस पी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए ज़ीरो, तो आर ए प्लस आर सी इक्वल्स टू पी, ये हमारी पहली क्वेश्चन आ गई। अब तीसरी क्या थी हमारी, मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप मोमेंट निकालोगे तो वो ज़ीरो ही आना चाहिए, और वो होना भी चाहिए क्योंकि ये जो है बी में इस पर फोर्स वोर्स लगने के बाद जो भी आना था वो हो गया, फिर उसके बाद अभी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, ना ये मूव कर सकती है ना हिल सकती है उड़ सकती है कुछ नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फोर्स इस पर जो लग रहा है वो ज़ीरो होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में भी ज़ीरो होना चाहिए वाई डायरेक्शन में भी ज़ीरो होना चाहिए। हम जनरली 2D के अंदर बात करते हैं, इसलिए अगर 3D होता तो जेड डायरेक्शन में भी ज़ीरो होता फोर्स, और मोमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, फोर्स भी ज़ीरो होना चाहिए और मोमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए एट एवरी पॉइंट, सिर्फ एक कौन सा काम चलेगा एवरी पॉइंट हर जगह पर। तो अगर मैं मोमेंट अगर ए के अबाउट है, ए के अबाउट अगर मोमेंट मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो ए के अबाउट आर ए का तो ऑलरेडी ज़ीरो है, क्योंकि मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो उससे उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए तो खुद इस पॉइंट से जा रहा है, इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई ज़ीरो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो गई तो आर ए का तो ज़ीरो हो गया। अब देखना है पी का, पी ये मिडल में है एल बाई टू यहाँ से मान, और यहाँ से भी L बाई टू, ये L है तो ये मिडल के अंदर, तो यहाँ से P इंटू एल बाई टू। अब ये इसको कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो हम किसको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले या नेगेटिव, हम पॉजिटिव ले लेते हैं कि क्लॉकवाइज जो है वो हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि P इसको अगर हम देखें P इंटू एल बाई टू। अब आर सी क्या इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है माइनस आर सी, और इंटू क्या उसकी लेंथ एल, टोटल कहता हूँ सही ज़ीरो, यदि आपको ऐसी समझ में आई होगी। मोमेंट कैसे लेते हैं, फोर्स इंटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी है पी कैसे क्या होगी एल बाई टू टू, और ये एल बाई टू यहाँ पर भी, तो ये फिर ये आर सी से तो एल है और पी से क्या थी एल बाई टू, तो यहाँ से हम अगर आर सी निकालेंगे तो वो आएगा पी अपॉन टू, और यहाँ से दोनों को अगर हम देखें तो आर ए कितना आ गया पी अपॉन टू, तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल में क्या है जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, यहाँ से लग रहा है पी अपॉन टू, यहाँ से लग रहा है पी, और यहाँ से क्या लग रहा है पी अपॉन टू, ये वन ये एल बाई टू में ये एल बाई टू। अभी तक तो हमने फोर्स निकाला है इसका, अब हमें पूछा क्या है उसने शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर निकालना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें सबसे पहले शेयर फोर्स निकालना पड़ता है, तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं शेयर फोर्स से। अब चलिए ये देखते हैं कि शेयर फोर्स निकालते कैसे हैं।
जो शेयर फोर्स होता है, अगर हम इस चीज़ को यहाँ देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे कि हमें आई थिंक आपको वहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि वो चीज़ कैसे आई थी, कि हमने फोर्स होते हैं यहाँ पे पी अपॉन टू, ये पी अपॉन टू और ये जो था पी, ये हमने कैसे निकाला था। इसके बाद चलिए हम इस पे देखते हैं शेयर फोर्स ए बी सी। अब हम ये देखते हैं कि शेयर फोर्स का कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं ए और बी पे, तो सबसे पहले हम कहीं से भी शुरुआत करो, लेफ्ट से या राइट से, क्योंकि शेयर फोर्स तो निकलेगा तो इसके अंदर ही, जो शेयर फोर्स होगा और जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो उस बीम के अंदर ही निकलेगा, बाहर कहीं नहीं निकलेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट ए पे क्या है शेयर फोर्स, तो फोर्स जो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये 8.8 पॉइंट ए, ए पे क्या लग रहा है पी बाई टू, तो शेयर फोर्स कितना हो गया पी अपॉन टू। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं आगे, तो हम ये एक्स डिस्टेंस लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे कोई यहाँ पे एक प्लेन है एक्स डैश, उस प्लेन पर शेयर फोर्स कितना लग रहा है, तो उस प्लेन पर शेयर फोर्स निकालना है अगर हमें, तो उस प्लेन से जॉइंट से भी तुम चलना स्टार्ट किया, हमने लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया, तो उस लेफ्ट की साइड जितने भी फोर्स हैं उन सबको ऐड कर दो वेक्टरली, अगर वो ऊपर की साइड है पॉजिटिव ले लो, नीचे की साइड है नेगेटिव ले लो, और वापस में सम करके या डिफरेंस लेकर के कैसे भी करके, और जो आखिरी में जो बचेगा इधर की साइड जितना भी फोर्स बचेगा वो पूरा का पूरा उस प्लेन के ऊपर शेयर फोर्स होगा। इन द सेंस लाइक कि अगर जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जिसकी ये यहाँ पर एक्स है, इधर का हम भूल जाइए कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ लेफ्ट में देखिए, और लेफ्ट में हमारे पास कितने फोर्स है, सिर्फ एक ही फोर्स है पी वाई टू, कहाँ तक है ये पी वाई टू पी वाई टू पी वाई टू वाई टू बी तक है, पी से इधर जाओगे तो पी आ जाएगा, तो यहाँ तक नहीं, ए से बी तक, बी से जस्ट पहले तक हमारे पास जो है सिर्फ एक ही फोर्स है पी वाई टू। सो ए बी में जब एक्स है वो वेरी कर रहा है ज़ीरो से, इक्वल टू ज़ीरो से एल बाई टू तक, इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि इक्वल टू लगा तो पी आ जाएगा, पी से जस्ट पहले एल बाई टू तक, तो शेयर फोर्स जो है वो पी वाई टू है ऊपर की साइड अपवर्ड, मतलब पॉजिटिव साइड, हमने ऊपर की साइड को हमने पॉजिटिव लिया है। जस्ट आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जहाँ से भी हमें स्टार्ट करना है लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट से करोगे तो भी सेम ही है, अगला बार कुछ हमें राइट से करके देख लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सीधा सीधी बात ही है। अगर आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हो और लेफ्ट से आप ये देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे निकालिए, उस वाले पॉइंट पे जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है उस पर क्या है, उसमें मैंने निकाला पी वाई टू, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें, उसके आगे चलते जा रहे हो तो हम एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस के ऊपर हम अज्यूम करते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे बताओ शेयर फोर्स कितना होगा, एक टाइप से हम इक्वेशन के उसमें डिपेंड कर रहे हैं कि जिससे कि सीधा सीधा वो एक्स के टर्म्स में हमारे शेयर फोर्स निकलने लग जाए। तो हमने देखा कि जहाँ तक वो पॉइंट लोड के बाद दूसरा पॉइंट लोड जब तक नहीं आता तब तक के लिए वो जो क्या है सेम ही रह जाता है, जैसे कि यहाँ तक है, और आपको अगर एक्स एक्स इस वाले उस पर निकालना है प्लेन पे, ये वाला जो प्लेन होगा ना यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो उससे पहले लेफ्ट में जितने भी फोर्स हैं सबका सम कर दो। अब सीधा हमारा तो एक ही फोर्स है सिर्फ पी बाई टू, तो हमारे लिए वो क्या हो गया पी बाई टू। अगर आप यहाँ पर प्लेन लोगे तब भी लेफ्ट में एक ही है पी बाई टू, अगर आप यहाँ पर लोगे इससे जस्ट पहले बी से जस्ट पहले अगर यहाँ पर लोगे आप इस वाले में तब भी वो पी बाई टू होगा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर पी बाई टू। फिर आएगा 8 पॉइंट बी। अब बी पे क्या होगा, बी पे जैसे ही आओगे तो पी ऊपर से लग रहा है और नीचे से, फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो पी ऊपर से लग रहा है पी बाई टू नीचे से लग रहा है, तो बचा कितना नीचे की साइड पी बाई टू, तो शेयर फोर्स कितना आया माइनस पी वाई टू, क्योंकि हमने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाला क्या हो गया नेगेटिव। अब हम देखेंगे बी और सी के अंदर जब एक्स है, अब यहाँ पे आ गया हमारा एक्स, एक्स क्या हो गया फिर अब ये एक्स हो गया, अभी एक्स पहले इतना सा था,
हम एक्स के हिसाब से चलेंगे, फिर एक्स इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर बी पे आया, बी पे आया तो देखा हमने जीरो फोर्स चेंज हो गया, फिर एक्स पी को भी क्रॉस करके अब यहाँ पर आ गया, एक्स डैस एक्स डैस इस वाले प्लेन पे। अगर इस वाले प्लेन पे हम देखेंगे तो वही वापस से, इसको भूल जाओ, इसके इस साइड जितनी फोर्स हैं सबको सम कर दो एक ही बार में, और वो सबका सम करने पे क्या आएगा, यहाँ पर पी है और यहाँ पे कितना है पी बाई टू, और पी बाई टू सम करो नीचे की साइड पी बाई टू है, नीचे साइड हमारा क्या है नेगेटिव, तो बी सी पे क्या है जब एक्स क्या होगा एल बाई टू से उसके एक्स एल तक रहेगा, पॉइंट पर नहीं लाएगा, एक्स एल तक ही रहेगा, तो शेयर फोर्स क्या आएगा माइनस पी प्लस पी बाई टू, माइनस पी इसका प्लस पी बाई टू इसका, और वो क्या आया पी बाई टू माइनस का। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसके बाद बी सी पे ये निकल के आ गया हमारा, और जो फिर उसके बाद क्या आएगा 8 पॉइंट सी, 8 पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पे क्या है, पॉइंट सी पे अगर हम देखेंगे तो पी वाई टू ऊपर साइड लग रहा है, सी पे एग्जैक्ट सी पे देखोगे तो उससे लेफ्ट में पूरा देखोगे तो पी वाई टू ऊपर की साइड लग रहा है, पी वाई टू ऊपर की साइड लग रहा है और पी नीचे की साइड लग रहा है, और यहाँ पर पी वाई टू ऊपर की साइड लग रहा है, तो हम दोनों का सम करके देखेंगे तो पूरा टोटल सी जीरो आ जाता है, उसके अंदर शेयर फोर्स क्या आ गया जीरो। अब क्या कि यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ करते हैं इसका, ये तो हमने निकाल लिया शेयर फोर्स, अब एक फिर नहीं, अब उसने क्या बोला था शेयर फोर्स और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो शेयर फोर्स हमने निकाल लिया, अब शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम होगा जैसे कि ऐसे लाइन खींच लो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ए पे शेयर फोर्स कितना था 8.8 पी वाई टू, तो यहाँ पे पी वाई टू ऊपर ले जाओ पी वाई टू, उसके बाद शेयर फोर्स चेंज नहीं हुआ ए बी के अंदर, चेंज नहीं हुआ सिर्फ पी वाई टू ही रहा, चेंज नहीं हुआ पी वाई टू ही रहा। अब 8 पॉइंट बी क्या हो गया माइनस पी वाई टू, नीचे आया था धड़ाम उतना ही जितना ऊपर था पी वाई टू, और फिर बी और सी था यहाँ पर ए बी सी, बी और सी था, बी और सी के बीच में शेयर फोर्स चेंज नहीं हुआ माइनस पी वाई टू रहा, ये माइनस पी वाई टू रहा। इसके बाद 8 पॉइंट सी क्या हो गया जीरो, ये जीरो हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम शेयर फोर्स कैसे बनाते हैं, आगे हम इसमें दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी, अगर समझ नहीं आया हो तो आगे आएंगे तो और समझ में आ जाएगा, वैसे तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, सबसे पहले हम उस पर 8.8 बेंडिंग मोमेंट मोमेंट जैसा होता है एग्जैक्टली 8.8। मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस भी जगह पे निकालना होता है, ये तो ही है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस जगह से, जिस प्लेन पे निकालना है। बेंडिंग मोमेंट में हम पॉइंट ले लेते थे, सॉरी मोमेंट में हम पॉइंट ले ले पॉइंट लेते थे, और बेंडिंग मोमेंट में हम प्लेन लेंगे, जैसे यहाँ पे शेयर फोर्स निकाल लेते हैं ना इस वाले प्लेन पे, उसी हिसाब से अगर इस वाले प्लेन पे हम वो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इस वाले प्लेन से उस वाले फोर्स की डिस्टेंस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मोमेंट में क्या करते थे हम उस पॉइंट से उस वाले प्लेन उस वाले फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते और मल्टीप्लाई कर देते, सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है। सो 8.8 हम देखेंगे तो उस पर एक फोर्स लग रहा है पे क्या पी वाई टू, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऐसे क्या है जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए था पी वाई टू इंटू जीरो, तो वो क्या हो गया जीरो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत सिंपल सही है। अब हमें देखना है कि अगर वो ए बी में होगा एक्स, वापस हमारा एक्स ही चलेगा क्योंकि हमें तो अब हर पॉइंट का तो निकालेंगे नहीं ना, कि पॉइंट वन ले लिया, पॉइंट टू ले लिया, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, तो हमने एक वेरिएबल दे दिया एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी जो मर्जी आए वो रखना, और फिर उसके अंदर हम एक्स के टर्म्स में आपको निकाल के दे देते हैं सीधा सा, ये इस टाइप से, इसलिए हम इस चीज़ को एक्स में यूज़ करते हैं।
तो ए बी है, ए और बी के बीच में ही हम यूज़ करेंगे सिर्फ। ए और बी के बीच हमने कोई प्लान लिया एक्स डिस्टेंस का, और वही है वापिस से उसके लेफ्ट में देखो, उसके लेफ्ट में जितने फोर्स आ रहे हैं उन फोर्स से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो और वो उसका बेंडिंग मोमेंट होगा उस पॉइंट पे। तो ज़ीरो से जब एक्स एल बाई टू के बीच में होगा, क्योंकि एल बाई टू ही है यहाँ पर, एल बाई टू के बीच में होगा। तो उससे पहले अगर हम देखें एक्स और एल बाई टू के बीच में, तो पी बाई टू आ रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स, एक ही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक प्लेन पे देखोगे तो क्या एक्स खुद ही है, क्योंकि एक्स ही तो वेरी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लेंगे वापस से कोई सा भी, यहाँ पे ले लेंगे अगर हम एक और प्लेन, तो फिर वापस से एक्स क्या हुआ, ये हो गया, ये हो गया ना एक्स वापस से, यहाँ पे लेंगे तो वापस से एक्स ही हो गया। तो एक्स चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, खुद एक्स। तो इस कारण से यहाँ पे जो उसका बेंडिंग मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, पी बाई टू इंटू एक्स, पी बाई टू इंटू एक्स। और एट पॉइंट बी क्या होगा, ठीक है, हो गया पी एक्स अपॉन टू, ये हम देख रहे हैं लाइन बनेगा कि पी एक्स एक्स पे वेरी करेगा। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, अब हमने यहाँ पे देखा है बी पे हमने इक्वलिटी लगा दी, इक्वलिटी मतलब बी पे भी यही रहेगा। और एट पॉइंट बी, बी पे एक्स कितना है, एल बाई टू, तो यहाँ पे एल बाई टू रख, बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया यहाँ पे, पी बाई टू इंटू एल बाई टू प्लस टू पी एल अपॉन फोर। ये पी एल अपॉन फोर किस पे आ गया, उस वाले पॉइंट पे आ गया। इसके बाद का जो वो है हमारा बी तक हमने कर लिया, अब हम बी और सी का देखते हैं। बी सी, अगर बी सी के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे बी और सी के बीच में कितना है चेंज हो रहा है, तो बी सी में जो है एक्स जो है यहाँ से, एक्स जो है वो यहाँ से लिया जाएगा पूरा का पूरा, ये एक्स है पूरा का पूरा। आई थिंक आपको ये चीज़ एक्स तो समझ में आई रही होगी ना, जैसे कि मतलब वापस से हमें अगर पूरा बना के बताऊँगा आपको, यहाँ पे ये बीम थी हमारी सबसे पहले की, यहाँ लग रहा था पी बाई टू, यहाँ लग रहा था पी बाई टू, और यहाँ लग रहा था पी, ये थी एल बाई टू यहाँ से डिस्टेंस, और ये थी एल बाई टू, ये पॉइंट था ए, ये था बी, ये था सी। ये आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो अब इस जगह पे क्या है कि हमें उसने बोला कि बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब जब बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है तो इस वाले प्लेन पे तो हम निकाल लेंगे सीधा का सीधा ही, पर उसने कहा कि हर एक पॉइंट पे निकालना है। अब हर एक पॉइंट पे हमारे लिए निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स, उसने बोला हर एक प्लेन पे निकालना है, और प्लेन इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो क्योंकि हर एक प्लेन यानी कितने सारे इनफाइनाइट प्लेन है, तो सब पे निकालना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। निकाल तो हम देंगे पर इतने ज़्यादा कैसे निकालेंगे यार, पूरे समझो ज़िंदगी बीत जाएगी निकालने में। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, हमने कहा लेफ्ट से वो एक्स डिस्टेंस पे जो प्लेन होगा मैं उसको एक्स के टर्म्स में आपको बता देता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, और फिर उस हिसाब से आप खुद कर लीजिएगा। तो इसी हिसाब से हमने ए और बी के बीच में निकाला, और जब ए और बी के बीच में निकाला हमने सबसे पहले ए पॉइंट पे निकाला बेंडिंग मोमेंट। ए पॉइंट पे जब हमने निकाला तो बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ए पे निकालोगे तो फोर्स तो कितना लग रहा है, पी वाई टू, क्लॉकवाइज पॉजिटिव इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या है, ज़ीरो, पी वाई टू के तो ज़ीरो ही है ना, उसी से। फिर इसके अलावा फिर हम आगे बढ़े यहाँ पर आए, और फिर यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले फोर्स में निकालना है तो वापस से वही जैसे सेल्फ फोर्स निकाल लेते हैं, यह हमारे लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इससे पहले का पूरा देखो कितने फोर्स है, सिर्फ एक ही फोर्स है पी बाई टू, और पी बाई टू फोर्स हो गया इन टू उस प्लेन से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एक्स, सो पी बाई टू इन टू एक्स, ये हमने यहाँ पर लिखा था। आपको यहाँ पर पी बाई टू इन टू एक्स ये हो गया। अब हमने इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, नेगेटिव क्यों लिख सकते थे, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा था, हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया होगा।
तो क्रोकस को हमने पॉजिटिव लिया हुआ था, यहाँ पर पी वाई टू इंटू एक्स हो गया। अब ये कहाँ तक के लिए, ये भी हमने यहाँ पर रेंज दी हुई है, ज़ीरो से एल बाई टू तक के लिए पी एक्स अपॉन टू रहेगा बेंडिंग मोमेंट। आपको जिस एक्स के लिए वैल्यू चाहिए यहाँ पे, जिस वाले प्लेन के लिए चाहिए, वो एक्स यहाँ पे धरिए, आपको सीधा मिल जाएगा। हमने कहा अच्छा, उसने बोला हाँ, तो हमने कहा ठीक है एल बाई टू पर धर देते हैं। और एल बाई टू क्या है, बी खुद पॉइंट है, और हमने एल बाई टू धरा तो क्या आया, पी एल बाई पी बाई टू इंटू एल बाई टू, वो क्या आया फिर पी एल बाई फोर। आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि कैसे किया हमने, यहाँ पे ये आ गया। अब हमने कहा चलो आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स पे निकालते हैं। फिर हमने कहा बी सी पे निकालते हैं, बी सी ये वाला जो रीज़न है इस वाले में। अब इस वाले में हमने वापस से लिया एक प्लेन एक्स, जो एक्स है ना वही है, यहाँ था यहाँ था यहाँ था यहाँ पर आया, फिर हमने ये निकाल दिया, फिर वापस से आगे बढ़ गया, तो एक्स तो अभी भी यही रहेगा, ये अलग अलग नहीं है, ये पहले यहाँ था फिर ये आगे बढ़ता गया ना, हम चेंज करते रहे उसको, चेंज करते रहे जैसे जैसे, अब जिसकी फोर्स है तो इस जगह पर चेंज हो जाएगा ना, इसलिए ये यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक्चुअल में यहाँ पर समझ में आएगा ये कैसे करना है इस चीज़ को। बी सी, बी सी में क्या है, एक्स कैसे वेरी, एक्स किस किस चीज़ के बीच में, बी और सी, बी सी क्या है, एल बाई टू से एल तक की डिस्टेंस, क्योंकि एल बाई टू से एल तक की डिस्टेंस। अब हमने लिया बी सी में एक्स एक्स प्लेन, ये कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि एक्स तो वेरी खुद ही कर रहा है। अब हमने हमारा रूल क्या कहता है, इसको ख़त्म करो, लेफ्ट में जितने फोर्स हैं उनको उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाली उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो और उनको वेक्टरली ऐड करो, उसके बाद जो सम आएगा वही उसके उस जगह पे बेंडिंग मोमेंट होगा। तो फिर हमने क्या किया, फिर कि हमने देखा कि इससे बाद में पहले क्या है, दो फोर्स हैं इस जगह पे, इससे पहले एक तो ये है और एक ये है पी। अब हमने कहा पी बाई टू लेते तो बेंडिंग मोमेंट पी बाई टू इस वाले प्लेन पे क्लॉकवाइज है, ऊपर की साइड फोर्स है तो इसे घुमाएगा, इसे क्लॉकवाइज है और पी बाई टू यहाँ लग रहा है, और डिस्टेंस क्या है इससे और इसकी प्लेन प्लेन की दूरी एक्स, तो पी बाई टू इंटू एक्स। अब दूसरा हम देखते हैं फोर्स है पी, कहाँ नीचे की साइड लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है तो ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस आएगा, माइनस पी इंटू। अब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये अब ये कितनी है, ये है एक्स, ये कितनी है, ये है एक्स और ये कितनी एल बाई टू। अगर मैं एक्स में से एल बाई टू जो है माइनस कर दूँ तो ये वाली बचेगी, आई थिंक आया आप समझ में आपको, एक्स माइनस एल अपॉन टू, ये जो कर दूंगा डिस्टेंस तो यही तो बचेगी, ठीक है ना। तो फिर आ गया पी अपॉन टू एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी एल अपॉन टू, तो ये क्या आ गया पी एल अपॉन टू माइनस पी एक्स अपॉन टू। और हमने क्या लगाया यहाँ पे, इक्वल टू एल। अब इक्वल टू एल लगाया तो एल रख के देख लेते हैं, एल रख के देखा तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ गया, ज़ीरो किस पे, एट सी पॉन, बेंडिंग मोमेंट क्या गया ज़ीरो। आई थिंक आपको समझ गया, अब हमने सब जगह के पॉइंटों के सब रीज़न के निकाल दिए बेंडिंग मोमेंट। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि उसने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कहा है, ग्राफ बनेगा सीधा सा सिंपल तरीका होता है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको पहले नीचे तक एक ही उसमें बनता है हमेशा। आप अगर अपने एग्ज़ाम में बनाओ या कहीं पर भी अगर आपको बनाने की जरूरत पड़े, मेंस दो या फिर अपने कॉलेज के कुछ एग्ज़ाम्स हैं वो भी दो, तो ऐसे ही बनता है, एक ही लाइन में बनते जाते हैं। तो हमें पता था सबसे पहले 8.1 कितना है, ज़ीरो। ए बी पे से एक ए बी क्या है, पी एक्स अपॉन टू स्ट्रेट लाइन, और बी पॉइंट पे कितना है, पी एल अपॉन फोर, इसका मतलब इस जगह पे पॉजिटिव है, ये आ गया इस जगह पे क्या है, पी एल अपॉन फोर ये। और फिर इसके बाद जो है आप इसमें देखिए, उसके बाद वो वापस से स्ट्रेट लाइन है बी सी के अंदर,
नेगेटिव स्लोप है, पर इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड होगा, और बी एम पे जीरो स्ट्रेट लाइन, और सी पे सॉरी सी पॉइंट पे क्या है, जीरो स्ट्रेट लाइन और सी पॉइंट पे जीरो, ए बी सी एल अपॉन टू एल अपॉन टू। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि उसके ऊपर है इसलिए। सो गाइस आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, वैसे नहीं आया तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपको बहुत अच्छे ढंग से एक चीज़ कवर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बने, इस पर ही बनते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एग्ज़ाम के ऊपर, और आपके अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उसके अंदर भी इसी पे ही बने, इस पे बनेंगे आएंगे 100% आएंगे। सो चलिए आज का सेशन यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वाले के अंदर हम वापस से ही पॉइंट लोड के ऊपर ही एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, इसमें तो सिर्फ हमने एक लोड लगाया था, उसमें हम दो तीन लोड एक्स्ट्रा लगाएंगे, जैसे कि हमको इस एक्शन में समझ में आए कि इसको करना कैसे। डरिए मत, अभी तो यू वी एल है, यू डी एल है, वो जब आएंगे तो बच्चा लगने लगेगा, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, एक बार समझ में आ गई ना खेलोगे इसके संग मस्त तरीके से। चलिए गाइस बाय, गुड नाइट।